नमस्कार, जय जोहार, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं मल्हार। तो आप जैसे यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप आते हैं बिलासपुर से, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं रास्ता, ये है बिलासपुर के लिए गया है नेशनल हाईवे के लिए। तो आपको नेशनल हाईवे से, ये नेशनल हाईवे जो 49 है, वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इस जगह का नाम है मस्तूरी, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और ये वाला जो रूट देख रहे हैं, ये गया है मल्हार के लिए। यहाँ से मल्हार पड़ेगा आपको लगभग 12 से 13 किलोमीटर। तो आप जैसे ही मस्तूरी पहुँचेंगे, आपको राइट साइड में दिख जाएगा मल्हार जाने का रास्ता। और यहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपना गूगल मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको मल्हार और दिखाते हैं उस जगह को और वहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों को। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम मल्हार, और मल्हार का ये आपको मुख्य गेट दिख जाएगा जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। तो एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, आपको ये बिलासपुर से पड़ जाएगा लगभग 35 किलोमीटर और रायपुर से है ये 128 किलोमीटर। आप यहां से मतलब यहां पहुंचने के लिए कार, बस, बाइक से भी आ सकते हैं, या आपका पर्सनल वाहन है, या कोई किराए में करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये है बिलासपुर रूट। ये कहाँ जाता है हमें नहीं पता, ये भैया बता रहे हैं जोंद्रा जाता है। और ये है मेन मल्हार का गेट, जहाँ से अभी हम एंट्री करने वाले हैं। और जैसे ही आप मल्हार पहुँचेंगे, तो आपके सामने एक यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा टूरिज्म का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़ टूरिज्म। पहुंच चुके हैं हम लोग मल्हार के पतालेश्वर मंदिर, जो कि मेरे आप पीछे देख सकते हैं। और फर्स्ट में ही ये पतालेश्वर मंदिर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप मेरे सामने, ये जो पीछे में है मेरे, ये सड़क है, सड़क से ही साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे जो मेन मुख्य मंदिर है, डिंडेश्वरी माता का मंदिर, और यहाँ एक राजमहल है, वो भी दिखाएंगे। पहले इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद यहाँ जो भी छोटी मोटी जानकारी होगी वो आपको प्रदान करेंगे, उसके बाद आगे लेके जाएंगे। तो यह मंदिर एक गर्भगृह में स्थित है, जहाँ तक आपको पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये जो शिव मंदिर है, ये एक ही बचा हुआ है, बाकी तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो पुरानी मूर्ति है वो बची हुई है। और यह मंदिर रायपुर के पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत है। और यहाँ पे आप कुछ यहाँ के जो इतिहास है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इन्होंने निर्माण कराया। आप ये पोस्ट करके या फोटो खींच के आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर में आ चुके हैं, अभी हमारे मामा जी भी हैं। तो हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी उस टाइम की कारीगरी, भव्यता आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, उभेरी गई है पत्थरों पर। पे यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं, भैया जी हैं, उनसे पूरी जानकारी आपको एकत्रित कराएंगे और जानेंगे यहाँ कब बना था और कौन से ईशा में बना था। तो भैया से पूछते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ का। तो इस द्वार पर हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो जाने से पहले माता गंगा की प्रतिमा स्थापित है। माता गंगा का वाहन होता है मगर, दाहिने ओर माता यमुना जी है, उनका वाहन है कछुआ। आप हैं काल भैरव जी, काल पात्र लिए हुए हैं और नर मुन का माला पहने हैं। आपका वाहन है भगवान काल भैरव का कुत्ता, देखिए, और ये गंधर्व है। यह मंदिर अभी पूर्ण अवस्था में नहीं है, इसका मलबा ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर का हाइट लगभग 70-80 फीट रहा होगा, ऐसा हम लोगों का पुरातत्व इतिहासकारों का अनुमान है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हैवंशी राजाओं का जाजल्य देव ने इस मंदिर का निर्माण राजा जाजल्य देव ने करवाया था, द्वितीय ने, रत्नदेव रतनपुर में बसा था, वह जाजल्य देव का भतीजा था। जाजल्य देव ने छत्तीस प्राचीन दक्षिण कौशल में तीन मंदिर का एक साथ निर्माण किया।
जहांगीर में विष्णुदेव मंदिर है वहाँ, इसीलिए जजल देव उत्सव करके एक उत्सव कराया जाता है। मल्हार में पातालेश्वर मंदिर है और रतनपुर में है, ये तीनों मंदिर एक काल पीरियड के हैं। आइए हम नौ सीढ़ी पार करके भगवान भोलेनाथ शंकर जी पातालेश्वर महादेव जी का दर्शन करने जाते हैं, इसीलिए उन्हें पातालेश्वर की संज्ञा दी जाती है। वो जमीन से नौ सीढ़ी नीचे पाताल में है। आइए, नौ सीढ़ी जो है वो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार है। ये शिव पार्वती का विवाह का बहुत सुंदर पैनल, ये ले लीजिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो शादी होती है, यज्ञ की वेदी पर वर वधु शपथ ले रहे हैं, उसके बाद भगवान शंकर भगवान अपने नंदी को माता पार्वती से हार जाते हैं। शिवलिंग को देखे होंगे आप लोग, लेकिन यह शिवलिंग अद्भुत है। बहुमुखी आकार का शिवलिंग है, वास्तु के अनुसार है। गौ माता का जो मुख होता है त्रिकोणा के की, उसी तरह से यह है। गौ माता का मुख हुआ बहुमुखी, बोलते हैं हम, बीच में छिद्र है, उससे कभी कभी चमत्कारी ढंग से तेज गति से 90 अंश का कोण बनाता हुआ तेज धार से पानी भी पड़ा है। पूरी तैयारी से जाते हैं और दो राक्षसी को मारते हैं, और मारने के बाद भगवान पाताल लोक पहुंचते हैं और वहां राम और लक्ष्मण को क्या करते हैं, खाने पर लेकर आते हैं, इनको दोनों को मारते हैं। यहाँ से निकलते हैं और आपको ले चलते हैं वहाँ राजमहल, और यहाँ के जो अधिकारी थे उनसे कुछ जानकारियाँ हमसे जितनी हो सकी आपको प्रदान किया, और ले चलते हैं राजमहल और दिखाते हैं वहाँ के कुछ अवशेष। तो हम पहुँच चुके हैं राजमहल, और ये है रास्ता जहाँ से आप मंदिर के साइड से आएंगे, और उनकी दीवारें आप दोनों साइड देख सकते हैं, मेरे मामा श्री दिखा रहे हैं आपको। तो ये रहा मुख्य द्वार राजमहल जाने का, और यहाँ के जो न्यूज़ वाले थे और ग्रामवासी थे वो बता रहे थे आपको पूरा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ अवशेष खुदाई से मिल रहे हैं। अगर आप ड्रोन वगैरह के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक तालाब और कुछ अवशेष दिखाई देंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बता रहे हैं। और चलिए लेकर चलते हैं राजमहल के अंदर और दिखाते हैं जो अवशेष मिल रहे हैं यहाँ के खुदाई से। तो आप अभी हमारे सामने देख पा रहे हैं जंगलों का रास्ता, और वहाँ से जो छोटी सी दीवार टूटी थी वहाँ से हम घुस चुके हैं। हमें रास्ते का मालूम नहीं है, माता जी एक मिली रास्ते में, उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि थोड़ा काफ़ी अंदर जंगलों के बीच आपको घुसने पे दिखेगा वो महल। तो अभी हम चल रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे वो महल, राजमहल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस किले पे जहां पे मैंने आपको बताया था कि पुरातत्व के खुदाई में मिले कुछ अवशेष हैं, जो कि आप महल तो नहीं, खुदाई करते करते जो अवशेष मिले हैं आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये खुदाई से मिला हुआ अवशेष है, महल नहीं है यहाँ पे, अर्थात एक भूकंप या कुछ भी कहें उसके कारण ये दब चुका है, जो कि पुरातत्व के खुदाई के करते हुए ये अस्तित्व में आए हैं। ये है गुड़ और चूने की जुड़ाई। तो पहले के लोग कितनी मजबूती के साथ अपना घर मंदिर जो भी है बनाया करते थे, और ये छोटा सा अवशेष पड़ा हुआ है। और यहाँ से निकल के अब चलेंगे हम मेन, जो जिसके दर्शन के लिए आए थे, माँ डिंडेश्वरी माता का मंदिर, जो कि यहाँ से अभी हमें 1 किलोमीटर के लगभग पड़ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने आई होप ये महल है ये देख ही लिया होगा, और यहाँ तक आपने वीडियो को देख ही लिया है तो यार प्लीज कमेंट कर दिया करो, और वीडियो कैसी लगती है उसको भी बता दिया करो, और अच्छी क्वालिटी के लिए प्लीज कंजूसी मत किया करो, अपना जो वीडियो का क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा के वीडियो देखा करो ताकि आपको भी देखने में मजा आए। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है, यार वीडियो पसंद आया है, पसंद तो आ ही गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना, यार आपका कुछ नहीं जाता, हम आपके एक लाइक से मोटिवेट होते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ मंदिर और दिखाते हैं माँ डिंडेश्वरी माता को। तो हम पहुंच चुके हैं माँ डिंडेश्वरी माता का मंदिर, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया वहाँ पे है माता डिंडेश्वरी का सुंदर सा मंदिर। तो वहाँ ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे, और कुछ यहाँ की जो रोचक जानकारियाँ हैं वो भी आपको देंगे, कि यहाँ पे कुछ जो लोग हैं यहाँ ग्रामीण वो बता रहे थे। तो आपको ले चलते हैं अंदर। तो
हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार में और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये है मुख्य द्वार और मेरे पीछे काफी छोटे छोटे दुकानें हैं, माता के लिए नारियल वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। कहानी के बारे में आपको बता रहा था, वो कहानी ये है कि यहाँ पे एक दिन सोने की वर्षा हुई थी, यहाँ के जो लोग हैं ऐसा बताते हैं। और एक मिथ्या भी थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे थे, जैसे आप घर वगैरह ले, आप अगर नेव की खुदाई करते हैं अगर सोना नहीं निकला तो आप यहाँ नहीं रह सकते। ये सब मिथ्या थी, झूठ थी और इन सब पे आप ध्यान ना दें। आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको एक शांति का अनुभव होगा, जैसा कि आप हर मंदिर में जाएंगे तो जो शांति का मन की शांति जो अनुभूति होती है वो एक शांत वातावरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आपके जस्ट इस मंदिर के सामने आप एक तालाब देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है और आपको दर्शन कराएंगे माता डिंडेश्वरी माता का। उससे पहले यहाँ की जो कलाकृति है, यहाँ जो दर्शाया गया है ये आप देख सकते हैं, यहाँ की जो सुंदरता है, कारीगरी है, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है, आपको सिनेमेटिक शॉट के थ्रू ये दिखाएंगे आपको और कराएंगे माता का दर्शन। का नजारा आप देख सकते हैं। मल्हार का फुल एक्सप्लोर करके अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाना। और जैसे आप मंदिर से निकलेंगे अगर थक गए हैं तो आपको साइड में मिल जाएगा एक छोटा सा गार्डन, वहाँ जाके आप रेस्ट कर सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ से अलविदा और आपको मिलते हैं नए वीडियो और नए जगह के साथ। तब तक के लिए लव यू।